इंटरेस्टिंग सवाल है क्या कहा गया है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम अंडर इमेजिनरी फोर्सेस आर शोन बाय कर्व काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिस्पेक्टिवली इन फिगर दिस सिस्टम इज बाउंड एट देखिए क्या मतलब है अगर आपके पास दो पार्टिकल्स हैं और बाउंड हैं कहने का मतलब अर्थ और सन को आप ले सकते हैं बाउंड होने का मतलब है कि वो उसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है और फ्री नहीं है बेसिकली जब भी सिस्टम बाउंड रहता है टोटल एनर्जी नेगेटिव रहती है आपने पहले भी देखा है फॉर एग्जाम्पल अर्थ की जब हम टोटल एनर्जी लिखते हैं तो माइनस हाफ जी एम एम अपॉन आर आता है तो टोटल एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब है कि टू पार्टिकल सिस्टम बाउंड है फ्री नहीं है तो एक ही फंडा यहाँ पे आपको बताना है टू सिस्टम के लिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के कर्व दे रखे हैं आपको बताना है कि किस पॉइंट पर ए पर बी पर सी पर डी पर कहां पर आपका सिस्टम बाउंड है चेक करते हैं आप पॉइंट नंबर ए पर देखें पॉइंट नंबर ए पर पोटेंशियल एनर्जी इतनी है काइनेटिक एनर्जी इतनी है तो सिस्टम कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ज़्यादा है और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव कम है तो टोटल करेंगे तो टोटल एनर्जी नेगेटिव आएगी नेगेटिव आएगी पॉइंट ए पर तो इसका मतलब सिस्टम बाउंड है बी पर देखें बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल पोटेंशियल ज़्यादा नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव रहेगी टोटल एनर्जी सिस्टम बाउंड रहेगा पॉइंट सी पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा नेगेटिव है और सॉरी पोटेंशियल कम ज्यादा नेगेटिव है और काइनेटिक कम पॉजिटिव है तो टोटल नेगेटिव है सी पॉइंट पर भी नेगेटिव है डी पॉइंट पर देखें डी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव कम है काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव जाता है तो टोटल एनर्जी पॉजिटिव आएगी आपका सिस्टम बाउंड नहीं रहेगा एट पॉइंट डी डी पॉइंट पर सिस्टम नॉट बाउंड देख लें अब क्या सवाल में एग्जाम है ऑप्शंस एट पॉइंट ए बी सी ए बी और सी पर आपका सिस्टम बाउंड रह रहा है क्योंकि वहां पर टोटल एनर्जी नेगेटिव है तो इस सवाल में हमने बेसिकली क्या सीखा जब भी टोटल एनर्जी सिस्टम की नेगेटिव रहेगी सिस्टम आपका बाउंड रहेगा थैंक यू